यहाँ मतलब जो दिन मतलब गोश्त बनता था उन दिन हम सब्जी बना रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, समझे। स्टूडेंट बच्चे भी आ रहे हैं भाई गोश्त, मैंने भाई मजबूरी है, नहीं मिल रहा गोश्त तो क्या करेंगे, बच्चे भी बेचारे चले जाते हैं। मीट की क्वांटिटी कम हुई है क्योंकि रजिस्टर और अनरजिस्टर की बात आ रही है, तो जिससे वजह से रेट भी हाई हुए हैं। और दूसरी चीज़, उसके रेट हाई होने की वजह से चिकन के रेट भी, जो अल्टरनेट मीट हम कर सकते थे, उसके रेट भी हाई हुए हैं। और हम एट एन एवरेज स्टूडेंट से, जो यहाँ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, करीब 18,000 बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, हम 1,000 से लेकर 1,300 तक रफली उनसे 3 मील्स के लिए चार्ज करते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं यहाँ पर, वो इससे ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखा होगा उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनते ही, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट बनते ही, सबसे पहला एक फैसला लिया गया कि यहाँ के जितने स्लाटर हाउस हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। आप बंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को एक वक्त दिया जाता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप लाइसेंस बनवाइए, इतनी तारीख लास्ट डेट होगी। अचानक से सील लगवाना, अचानक से बंद करा देना, अचानक से ये क्या हुआ कि जो गरीब लोग उसमें मौजूद थे वो परेशान हो गए। वो तो बफलो मीट था, 15,000 इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, उन सबको आप महरूम कर दिए, बताइए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये गलत है ना, आप ये कहाँ रुकेगा? क्या मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ सब खत्म कर देंगे क्या? आप क्या करने जा रहे हैं यहाँ की सरकार? ये तो बताना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास की बातें जो करती है बीजेपी, क्या कर रही है वहाँ पर।